अहोंकारे शवारूढ़े नील नीरज लोचने त्रिलोकाये के मुखे देवी कालिकाये नमोस्तुते। श्रीनाथ जी गुरु जी को अलख आदेश, माँ भगवती को अलख आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलख आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। माँ भगवती देवी काली, इनके कई रूप और इनके हर रूप का, हर मंत्र का एक अलग प्रयोग। एक साबर विधि आज आप लोगों को बता रहा हूँ, बहुत ही साधारण सावर विधि है। और इस विधि के बाद आपके घर पर किसी भी तरीके का तंत्र प्रयोग नहीं हो सकता है। जैसा इंट्रो में मैंने आपको सुनाया, हुम हुम कारे मतलब वो भगवती जिसके आते के साथ एक हुंकार आए। अभी मैं 3 दिन से आप लोगों के बीच नहीं आ रहा था, मैं तारापीठ गया था। तारापीठ में माँ भगवती देवी तारा का प्रादुर्भाव इसी भाद्रपद अमावस्या को हुआ था, जब वशिष्ठ मुनि, जैसे मैंने पहले आप लोगों को कथा बता रखा कि वशिष्ठ मुनि तिब्बत से माँ भगवती देवी तारा को भारत ले आए। उनको पहले बिहार में स्थान दिया और उसके बाद फिर उन्होंने अपनी पत्नी को बता दिया कि मैं माँ तारा को ले आया हूँ, जबकि माँ तारा ने उनको कसम दे रखा था कि आप ये किसी को नहीं बताएंगे कि मैं भारत आ चुकी हूँ, यहाँ मेरी स्थापना हुई है। भगवती तारा क्रोध में उस स्थान को, जो बिहार में स्थान है, उसको छोड़ करके वो चली गई, और वो चली गई मसानी हो गई, नीलवर्ण की हो गई तारा गुस्सा में। आज भी बिहार में वो स्थल फूस का बना हुआ है, वो बिल्कुल ही मिट्टी का घर है और उसको कोई पक्का नहीं करवा पाता। वामदेव के रूप में फिर मुनि जन्म लिए और उनके जन्म का प्रयोजन था कि माँ भगवती देवी तारा का दर्शन करें। तो इस अमावस्या को, जो अभी बीत गया, उसी में माँ भगवती का आगमन हुआ था और वामदेव ने उनको तारापीठ के श्मशान में देखा था। मैं ये कथा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एक सज्जन ने मुझे परसों श्मशान में पूछा कि मैं नाथ जी ये नहीं समझ पा रहा कि मैं काली की साधना करूँ या तारा की साधना करूँ। तो बगला तंत्र में भी लिखा है और बहुत सारे तांत्रिक किताबों में लिखा है कि जो काली है वही तारा है और वही नील तारा है। तो तीनों में से आप किसी का भी अगर साधना करते हैं तो आपको वही शक्तियां प्राप्त होती हैं। तीनों एक ही रूप है, माँ भगवती देवी काली का ही रूप देवी तारा है। तारा के मुख में लालिमा होती है, वो क्यों होती है? क्योंकि कथा है कि उन्होंने भक्षण किया था किसी का, वो एक अलग कथा कभी और सुनाऊंगा, और उसके बाद उनका मुख जो है वो खून से लाल हो गया। तो उसी के प्रतीक स्वरूप में अगर उस लाल रंग को आप हटा दें तो वो काली ही दिखती है। तो जैसे दक्षिणेश्वर में काली है, जैसे कालीघाट में काली है, जैसे हरिद्वार में काली है, वैसे अपनी ये भी काली है, जैसे हमारे रांची में काली है। बस इनका मुख लाल है तारा माँ का, क्योंकि इन्होंने भक्षण किया था। तो खैर, अब आते हैं तंत्र पे। तो आज आप लोगों को बहुत सहज रूप का, बहुत सहज मार्ग से मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने घर का तांत्रिक विधि से बंधन कैसे कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके घर में कुछ तंत्र प्रयोग हो रहा है या भूत प्रेतों का साया है, तो इस तंत्र का आप प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जो मैंने हाउस क्लेंजिंग का एक विषय बताया था कि घर को बांधने से पहले घर की सफाई कर लें। सफाई कैसे, उसका एक वीडियो डाला हुआ है कि चाहे तो हवन आप घर में करवा लें, या एक मंत्र बताया था, और उसके बाद बताया था कि धूप लेके चारों तरफ आप घर के घूम जाओ और उसके बाद उस धूप को घर के बाहर रख दो। ऐसा करने से जो भी नेगेटिव एनर्जी हो वो तत्काल घर के बाहर चली जाती है। शंख बजाने से, घंटी बजाने से भी तत्काल प्रभाव में जो बुरी शक्तियां हैं वो बाहर चली जाती है, जो नेगेटिव ऊर्जाएं होती हैं। तो इस तंत्र को करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, एक मिट्टी का चुक्का ले लें या फिर जो कलश होता है वो कलश ले लें और उसके पेंदी में एक सुराग कर दीजिए, छोटा सा, ठीक है। और उसको हाथ से दाब कर रखिए उस सुराग को, और उसमें बराबर मात्रा में शराब, अगर देसी महुआ का मिला तो 1 नंबर, वरना जो मिल रहा है वही शराब, उसमें उतना ही दूध और फिर उतना ही गौमूत्र भर लें, ठीक है। और उसके बाद अपने घर के चारों तरफ जो है इसको लेकर के आप घूमें, जो आपके 4 दीवारी है घर की, और घूमते समय ये जो मिक्सचर है ये पूरे घर के का जो बाउंड्री है उसको बनाएगा। हर कोने पे जब आप जाएंगे तो एक नींबू रखेंगे और एक लोहे की कील से उसको ठोक देंगे हर कोने पे। जब ये आप पूरा परिक्रमा पूरा कर लेंगे तो आपका घर बंध जाएगा। तो सिर्फ इतना करने से नहीं बंधेगा, इसके बाद काली तंत्र का साबर मंत्र है। तो साबर मंत्र आप लोग गौर से सुनिए, इस साबर मंत्र को पढ़ के आप लोगों को ये परिक्रमा लगाना है। तो साबर मंत्र क्या है? उत्तराखंड की काली, उत्तर को बांध, पूरब को बांध, पश्चिम को बांध, दक्षिण को बांध, आगा बांध, पीछा बांध, घर के चारों कोने बांध, मेरी बांधी ना बंधे तो काली माई की फिरे दुहाई, ठीक है। इस मंत्र को करते हुए आपको घर का प्रदक्षिणा करना है चारों तरफ। फिर से सुनिए मंत्र को, उत्तराखंड की काली, उत्तर को बांध, पूरब को बांध, पश्चिम को बांध, दक्षिण को बांध, आगा बांध, पीछा बांध, घर के चारों कोने बांध, मेरी बांधी ना बंधे तो काली माई की फिरे दुहाई। तो बहुत नॉर्मल सा मंत्र है, इसको आप याद कर लीजिए। और इसके बाद क्रमबद्ध तरीके से पहले घर को साफ करेंगे, मतलब अगर ऐसा आपको लगता है कि घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है तो सबसे पहले उस नेगेटिव एनर्जी को क्लियर करें। उसके लिए हवन करें। घर से एनर्जी को कैसे क्लियर करते हैं इसका विधान मैंने एक वीडियो में दे रखा है, तो आप वहाँ से वो विधान देख लें और घर को क्लियर कर। देखो, अगर आप बंधन कर देते हो बिना क्लियरेंस के तो जो शक्तियाँ होती हैं वो घर में बंध के रह जाएंगी। ऐसा हुआ था मेरे साथ एक बार, मैं किसी स्थान पर गया था, उसका बंधन हो रखा था और बंधन होने के बाद बहुत मजबूत बंधन था, वो समझ में आ रहा था, लेकिन उसके अंदर एक महिला प्रेत विचरण कर रही थी। उस बंधन के बाद वो महिला प्रेत घुसी कैसे, तो समझ में आया कि बंधन करने वाले ने बंधन तो सही किया था लेकिन उससे पहले उस प्रेत को वहाँ से हटाया नहीं था। तो अब क्या था, वो प्रेत निकल भी नहीं सकती थी उस स्थान से, तो वो तंग कर रही थी। और तो लोगों को लगा कि जो पिछले वाले ने बंधन किया वो सही नहीं किया था, लेकिन बंधन तो उसने बहुत अच्छा किया था, लेकिन वो एक स्टेप भूल गया कि बंधन करने से पहले जितना भी नकारात्मक ऊर्जा है, वो जो ऊर्जा जो गृह स्वामी के लिए अच्छा नहीं है, उस ऊर्जा को बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। काली तंत्र में मंत्र यही है, विधान आप सभी को बता दिया गया है। साबर मंत्र है, इस मंत्र को सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, सीधे मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इस महीने का साधना शिविर जो अगस्त का था वो पोस्टमार्टम के सितंबर में आ गया है, तो वो शिवपुरी में ही होगा और मंथ एंड के सैटरडे संडे को होगा। तो जिसको भी उसमें आना है वो आ सकते हैं। जिसको साधना का बेसिक मंत्र सीखना है, जैसे आसन बंधन, दिशा बंधन, भगवा बंधन और भैरव, इतना सीखने के लिए मेरे पेड पे इसी ग्रुप में जुड़ जाइए। नंबर है 9431188585। अपॉइंटमेंट लेने के लिए www.aghortantrarahasya.xyz पर जाइए, उसमें अपॉइंटमेंट सेक्शन है, आप उसमें जा करके मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड करिए, उसमें उसको इंस्टॉल कीजिए, उसमें रुद्रनाथ सर्च करेंगे, rudranath@cm4, तो वो मैं ही हूँ। आप डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं उस माध्यम से। माँ भगवती देवी काली आप सभी को सुखी और समृद्ध रखे और आप सभी की सुरक्षा करें, ऐसी मेरी कामना है। आप सभी धनाढ्य बने। आज के लिए इतना ही। आप सभी को आदेश आदेश, अलख आदेश।